बिहार के गया में गया जिला उर्दू कोषांग के तत्वाधान में स्थानीय म्यूजियम में फरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन DDC सुमन कुमार, रिटायर्ड IPS मासूम काजमी, डॉक्टर फातर हुसैन ने किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र और छात्राओं द्वारा नगमा पेश किया गया। वक्ताओं ने उर्दू भाषा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक मीठी जुबान है, अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित कर रही है। अब भारत की गंगा जमुना तहजीब को सजाने संवारने में इस भाषा ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्ताओं ने कहा कि सभी तरह के सरकारी कार्यक्रम, योजनाओं एवं परियोजना में उर्दू का भरपूर प्रयोग किया जाए, ताकि उर्दू आबादी भी सरकारी नीतियों एवं योजनाओं से वाकिफ हो सके। इसके लिए उर्दू कर्मियों के साथ साथ सभी को आगे आना होगा। इस कार्यक्रम में DDC सुमन कुमार, अरुण कुमार, मासूम काजमी, डॉक्टर एहसान दानिश, डॉक्टर एहसान ताबिश, हरन गिरिशाद के साथ कई शख्सियत और स्कूली छात्र एवं छात्राएं मौजूद थी। उर्दू का कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम, जिला सतह पर इसको ले आया गया है। गुजारिश है कि इसे सब डिजिटल सतह तक ले जाए, या मुमकिन हो तो ब्लॉक सतह पर ले जाया जाए, और हम राजभाषा विभाग को मुबारकबाद देते हैं कि वो एक फाल किरदार अदा कर रहा है, न सिर्फ पटने में बल्कि हर ज़िले में। और जो उसने काम किए हैं, जो सेमिनार वो कर रहा है, जो मुशारे वो कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। उर्दू फरोग के लिए बहुत अहम है। जो ख़ासतौर पर मुस्लिम घर हैं, जो अभी के जो यूथ हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर क्या? उसकी वजह मैंने बताया आपको अभी, ये घर से उर्दू गायब हो गई है। हमारे भाई घर में उर्दू नहीं है, उर्दू हमारी मादरी जबान है। एक घर में हमारे अखबार भी नहीं आता, रिसाला भी नहीं आता, कलाम पाक हम रटा देते हैं, कलाम पाक के मानी नहीं पढ़ाते हैं कि उर्दू समझ सके। जब उर्दू घर में नहीं है तो उर्दू कहाँ आएगी आगे? राजभाषा महकमा काबीना सिंह की हुकूमत बिहार की जानिब से ये सालाना प्रोग्राम होता है, जिसमें तलबा के मुस्तकबिल के सिलसिले में गुफ्तगु की जाती है और उर्दू के फरोग के सिलसिले में प्लान तैयार किया जाता है कि तदरीस के माहौल में, क्योंकि आज का मौजू है इसकी सतह पर तदरीस के मसाइल और उसके हल, तो तदरीस के जो मसाइल हैं बच्चों के अंदर कैसे जज्बा पैदा करें और कैसे उसको के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि नई जनरेशन, नई पौध जो आ रही है वो इससे इस्तेफादा हासिल करें और एक उनके अंदर सलाहियत पैदा हो और उर्दू के तीन बेदारी पैदा हो सके, उर्दू को ये अमली जामा पहना सके, क्योंकि मुस्तकबिल के कलमकार यही लोग हो सकते हैं। बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इसका माने है पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अलगर अल्लाह रब अज़्ज़ वजल ने आलम इंसान को इकरा कहकर मुखातिब किया। इसमें तालीम नस्मा का मानी है औरतों की तालीम हासिल करना। औरतों के लिए तालीम उसी तरह लाहक और ज़रूरी है जिस तरह मर्दों के लिए। कोई भी कौम और मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि मर्दों के शाना बशाना औरत खड़ी ना हो। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए उसकी माँ का गोद सबसे पहला दस्तगाह होता है। हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी औरत या उसकी माँ का हाथ होता है, ख्वाह वो सिकंदर आजम हो या शिवाजी की जीजा माता। द हैंड दैट रॉक द क्रैडल रूल द वर्ल्ड, यानी जो हाथ झूला झूलाते हैं यकीनन वही एक दिन राज करते हैं। मजहब इस्लाम में दीनी और दुनियावी तालीम हुदूद में रहकर हासिल करने की पूरी आजादी है। इस्लाम कभी भी औरतों के तालीम के खिलाफ नहीं रहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देख लीजिए, जो आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी, जिनसे कमोबेश 2000 अहादीस मरवी हैं। इल्म नबूवत का अगर कोई असल वारिस है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जो कि एक औरत है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि एक ताजिरा है, जिनकी तजारत मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर सरजमीन सीरिया तक फैली हुई थी, वो भी एक औरत है। वो लोग जो गलत फहमियां पालते हैं कि औरत बावर्ची खाने की जीनत है, उनकी जिंदगी घर के सहन से शुरू होकर उमूर खाना पर खत्म हो जाती है, तो उनके लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी काफी है। किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा था, अगर तुम मुझे एक बेहतरीन माँ या बेहतरीन औरत दोगे तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन मुआशरा और एक अच्छा आने वाला कल दूंगा। इस बात से औरतों की जिम्मेदारी मुआशरे में भरपूर बढ़ जाती है। और हजरत इब्राहिम और हजरत हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। ये फैजान नजर था
ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरदंदी। किसी मुल्क की तरक्की तालीमी निदाम पर मबनी है, अगर मुल्क का तालीमी निदाम दुरुस्त है तो यकीनन उस मुल्क की तरक्की लाजिम है। एक तलख हकीकत यह भी है कि इब्तदाई तालीम में लड़के और लड़कियों की तालीम में हम इम्तियाज नहीं रखते, लेकिन जब बात हायर एजुकेशन की होती है तो हम मर्दों को ज्यादा फौकियत और तरजीह देते हैं, जो कि सरासर गलत है। लड़कियों को भी आला तालीम का शौक व शौक दिलाना चाहिए और इसके लिए हमें एक ऐसे तालीमी निदाम का वादा करना चाहिए जो उनको तालीम हासिल करने में सहूलत पेश करे। मैं हुकूमत बिहार का काफी शुक्रगुजार हूँ जो उनके लिए तो स्कॉलरशिप मुहैया करा रही है, जिससे उनको बहुत सहूलत हो रही है और जिसकी वजह से वो आज मर्दों के शाना बशाना और साथ आकर खड़ी है। सरजमीने हिंदुस्तान में बहुत सारी बेटियां हैं, जैसे कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, बचंद्री कौल और न जाने दीगर कितनी बेटियां हैं जो मुल्क की तरक्की की शाहिद हैं। मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म करता हूँ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।